अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजीनास रेसिपी। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी स्मोक्ड पैप्रिका चिकन की रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, उम्मीद करती हूं आपको ये रेसिपी पसंद आएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है 2 पीस। सबसे पहले नाइफ से इस तरह से कट कर लेते हैं और फिर पेपर टॉवल से इसको अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। अच्छे से ड्राई हो गया है, अभी इसमें ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून के जैसे सॉल्ट। सॉल्ट आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। इसको ऐसे स्प्रिंकल कर देते हैं दोनों साइड से। फिर इसमें ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 टीस्पून पेपरिका। इसको मिक्स करते हैं और ऐड करते हैं इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट या गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इधर ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे सिर्फ पेपरिका का फ्लेवर ही अच्छा लगता है। तो लीजिए, मैरिनेशन हो गया है। अभी एक ग्रिल पैन लेते हैं, उसमें ऐसे ऑयल ब्रश कर लेते हैं। आप चाहे तो नॉर्मल पैन भी ले सकते हैं और फिर चिकन ब्रेस्ट ऐसे ऐड करते हैं। अभी इसको मीडियम हीट में 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही कुक करेंगे ताकि ये नीचे से अच्छे से कुक हो जाए। और 2-3 मिनट के बाद इसको थोड़ा सा कवर करते हैं और कवर करके इसको और 2-3 मिनट के लिए कुक करते हैं। 3 मिनट के बाद इसको खोलते हैं और फिर फ्लिप करके दूसरे साइड से भी कुक करते हैं। अभी इसको कवर करके और 1 से 2 मिनट के लिए कुक करते हैं। हीट मैंने मीडियम ही रखा है। 2 मिनट हो गया है, चिकन अच्छे से कुक हो गया है। अभी इसको एक प्लेट में निकालते हैं। अभी इसी प्लेट में एक एल्युमिनियम फॉयल का बाउल शेप जैसे बना लेते हैं और उसके अंदर एक जलता हुआ चारकोल रखते हैं और ऊपर से 2-3 ड्रॉप ऑयल, कुकिंग ऑयल डालते हैं और इसको कवर करके 1 मिनट के लिए रखते हैं ताकि इसमें अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। 1 मिनट हो गया है, चले अभी इसको निकालते हैं। अभी नाइफ से इसका ऐसे स्ट्रिप बना लेते हैं तो इसको खाने में इजी रहता है। तो लीजिए, स्मोक्ड पैप्रिका चिकन तैयार है। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ऑयल बहुत ही कम लगता है और बहुत झटपट बनके तैयार हो जाता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।